तो गाइज आज की इस वीडियो में LG K42 मोबाइल है और ऐसे बहुत सारे डिवाइसों में गूगल असिस्टेंट देखिए बटन्स दिए गए हैं बट ये जो है वर्क नहीं कर रहा है, तो इसे आपको कैसे ठीक करना है ये आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। जैसे कि चलिए मैं गूगल असिस्टेंट आप जो है ऐप से भी ओपन करेंगे तो लिखा हुआ आएगा द गूगल असिस्टेंट इज़ नॉट सपोर्टेड ऑन दिस डिवाइस। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा ये आपको मैं इस वीडियो में दिखाता हूँ और सिंपल वे में बताऊँगा। तो चलिए आपको इसके लिए प्ले स्टोर ओपन करना है और गूगल ऐप को सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद फिर आपको जो है ये जो है इनेबल कर लेना है क्योंकि ये जो है डिसेबल हो चुका है। इसे आप जैसे ही इनेबल करेंगे उसके बाद अगर कोई अपडेट इसमें है तो उसे जो है आपको अपडेट भी कर लेना है। तो चलिए मैं इसे अपडेट में क्लिक कर लेता हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अब मेरा जो है गूगल ये जो है 98% हो गया है, अब ये इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद फिर जाके मैं ओपन कर लूँगा एक बार गूगल ऐप को। और उसके बाद अब जैसे ही गूगल असिस्टेंट को प्रेस करेंगे गूगल असिस्टेंट की तो देखिए ये इजीली वर्क करेगा। देखिए जैसे ही प्रेस किया ये देखिए नीचे आ गया हे हाउ कैन आई हेल्प यू, गूगल का जो है इनेबल हो चुका है असिस्टेंट। और ऐसा ही सेम प्रॉब्लम गूगल लेंस में भी आ रहा था, उसमें भी सेम चीज़ लिख रहा था कि इजेंट सपोर्ट योर डिवाइस। तो यहाँ पे भी देखिए ये भी जो है इनेबल हो गया, यानी कि मेन प्रॉब्लम जो है वो है गूगल आपका जो है डिसेबल हो जाने से हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक फ़ोटो जो है क्लिक करके दिखा भी देता हूँ कि गूगल लेंस जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये है नॉइज़ का कलर फिट जो अल्ट्रा स्मार्ट वॉच। तो देखिए जैसे ही मैंने फ़ोटो क्लिक किया तो इसका रिज़ल्ट जो है सही सही आ गया। तो आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है आपके डिवाइस में तो सिंपली आपको जो है अपना गूगल ऐप को अपडेट कर लेना है और इनेबल कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कूल एंड क्रेजी टेक। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।